जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। आजादी के 76 साल बाद भी बेघर हैं इतने परिवार, सुने पीड़ितों की कहानी। देश की डबल इंजन सरकार गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर गरीब जनों को घर देने की मंशा रखते हुए कहा था कि प्रत्येक देशवासियों के पास अपना खुद का मकान होगा, जिसके लिए सरकार ने लक्ष्य भी तय किया था तथा खास बजट भी पास किया है। इसी के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिए जाने की योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत गरीब, बेघर, बेसहारा लोगों को आवास दिया जाना है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि स्वाधीनता के अमृत काल में हर किसी का अपना घर हो, लेकिन यह योजना भी शायद गरीबों का भला नहीं कर पाई। यह यूँ कहे कि भ्रष्ट अधिकारियों तथा प्रधानों ने इस योजना का भी लाभ केवल अपने चहेतों को दे दिया। नतीजा यह हुआ कि आज भी सैकड़ों परिवार पन्नी तान कर अपना जीवन गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला बाराबंकी जिले का भी सामने आया है। बताते चले कि बाराबंकी जिले के फतेहपुर तहसील के ब्लॉक निंदूरा की ग्राम पंचायत खटौली निवासी मनीषा पत्नी भोलन, किरण पत्नी अनिल कुमार, मंजू देवी पत्नी संदीप, गोविंदा पुत्र जानकी, बेला पत्नी जानकी, परवीन कुमार पत्नी गुड्डू, नगमा पत्नी रिंकू, अंजू देवी पत्नी दीपू कुमार, सागर पत्नी चवन्नी, चांदनी पत्नी महेश, रूबी देवी पत्नी राममिलन, टिंकू पुत्र सहीश, मंजनी पत्नी राजेश कुमार, पूजा देवी पत्नी छोटू, राधिका पत्नी सहीश तथा मल्ला पुत्र चवन्नी समेत कई परिवारों ने मुख्यमंत्री तथा जिलाधिकारी बाराबंकी को पत्र भेजते हुए बताया कि वह सभी गरीब हरिजन समाज के लोग हैं, सभी लोगों के पास उनका आवास नहीं है, पन्नी तान कर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान संजय रावत तथा ग्राम सचिव से आवास के लिए मौखिक व लिखित रूप से सूचना दी, किंतु किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान कई बार आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी कागजात ले जा चुके हैं और आवास दिलाने का हवाला भी देते हैं, किंतु अभी तक किसी के पास आवास नहीं है। सभी पन्नी तान कर जीवन यापन कर रहे हैं। ठंड का महीना है, ऐसे में सभी के सामने जीवन का खतरा बना हुआ है। आप भी सुनिए पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुमानी। क्या नाम है? गोविंद है सर। पिताजी का? जानकी। कहाँ रहते हो? खटौली रहते हैं सर। खटौली ग्राम सभा है? हाँ, ग्राम सभा है हमारा। पोस्ट? पोस्ट बाराबंकी है, खिजना है। ब्लॉक? ब्लॉक निदूरा है। तहसील? तहसील फतेहपुर है। और जिला? बाराबंकी। जिला बाराबंकी है। अच्छा, तुम्हारा भैया क्या नाम है? पिताजी का? तुम कहाँ रहते हो? ग्राम खटौली। इन्हीं के गांव में? अच्छा, क्या समस्या है भैया तुम लोगों को? आवास नहीं मिल रहा है। आवास नहीं मिल रहा है? हाँ, आवास नहीं मिल रहा, सब बच्चे सब जड़ा रहे हैं, किरकड़ा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है सर। अच्छा, बारिश आता है उसमें हम सब भीज रहे हैं, बारिश में कोई घर नहीं है ना मकान है, हम कहाँ हम रहेंगे सर? तो मांगा नहीं तुमने आवास अभी तक? मांगे थे सर, वो दे नहीं रहे हैं। उससे प्रधान से कहे थे, वो भी कहता है वो बनेगा, अभी नहीं बनेगा, मांगने जाते हैं अभी सुनवाई नहीं करते कोई। तुम भैया मांगे एक बार भी आवास नहीं? मांगे मांगे थे सर। तो क्या बताएं? सुनता ही नहीं, गेट खिलाकर थे। तो कैसे रहते हो तुम लोग? ना ब्लॉक से कोई सुनता है ना कोई सुनता है, ब्लॉक भी गए वहाँ भी कोई नहीं सुनता है सर। अच्छा, तो रहते कैसे हो? बाराबंकी भी गए हैं वहाँ भी कोई नहीं सुनता, रहते क्या, झोपड़ पट्टी पड़ा हुआ है उसमें रहते हैं, इसमें गुजर कर रहे हैं सर। मजूरी उजूरी करते हैं, उसी में खाते कमाते हैं सर, उसी में बच्चे और बीवी को पालते हैं सर। अच्छा, किस बिरादरी के हो तुम लोग? हम बिरादरी बिड़िया जात के हैं, जनजाति। जनजाति बिड़िया? हाँ बिड़िया जनजाति। अच्छा, ये नट बिरादरी में आता है? हाँ, नट बिरादरी में आता है, बिड़िया जनजाति में आता है। अच्छा, प्रधान कौन है तुम्हारे यहाँ? संजय प्रधान है हमारा। उनसे कहे? उनसे भी कहे, वो कहता है बन जाएगा, अभी नहीं बनेगा। अच्छा, कब से रह रहे हो झोपड़पट्टी में? रह रहे हैं 40-50 साल से रह रहे हैं, जो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब पूर्वज भी तुम्हारे इसी में रहे, पिताजी लोग? हाँ, पिता भी हमारे इसी रहे, पहले बाप दादो की कॉलोनी कॉलोनी थी, वो गिर गए, अब कोई आवास देते ही नहीं है, वोट सब ले लेते हैं मगर देते कोई नहीं। और सब कब्रिस्तान भी हमारा बना, समाधि भी बना है, उसी में सब गड़े हुए पीर पुरखे हमारे समाधि में, और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। मिल जाएगा सर, हमारा जाड़ा कट जाएगा, और नहीं मिल रहा तो ऐसे ही गुजर रहे हैं।
तभी हम सब कोई आते हैं तुम्हारे पास, दौड़ते हैं सबके पास, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। कितने लोग हैं तुम्हारे यहाँ जिनको आवास नहीं मिला? 16 लोग हैं सर, और 150 परिवार हैं पूरे, बच्चे अच्छे सब मिलाकर, और बाकी 16 लोग मौजूद हैं जिसको मिला नहीं। 16 लोगों के परिवार में 150 लोग हैं, 150 लोग सब अलग अलग हैं सर। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक ही गांव के 16 परिवार खुले आसमान के नीचे पन्ने तान कर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अभी पिछले दिनों सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई व्यक्ति ठंड में खुले आसमान के नीचे न सोने पाए, तथा केंद्र सरकार के शहरी एवं आवासन राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी खुले मन से सबको आवास देने का दावा किया है। पूरे देश में 4 लाख आवास अब तक के लोगों को दिए जा चुके हैं, 4 लाख आवास, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास सीतापुर जनपद को मिले, ये भी ध्यान रख लीजिए। पहले चरण में 70,000 आवास मिले हैं, सबको आवास मिलेंगे जो पात्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी किया है कि अगर 2 भाई हैं और बाप को आवास मिला तो बाप का आवास एक लड़के को मिल जाएगा, दूसरा शादीशुदा हो गया तो उसको भी अलग से आवास मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का आदेश। इसकी तारीख बढ़ा करके 2024 कर दिया। अनगिनत लोगों को आवास मिला भी शायद इसी का नतीजा है कि लगातार भाजपा सरकार जीत दर्ज कराती चली आ रही है, किंतु एक ही गांव के 16 परिवारों के करीब 150 लोग जब खुले आसमान के नीचे पन्ने तान कर जीवन यापन करने को मजबूर हों, तो कहीं न कहीं अधिकारियों की पोल खुलती भी नजर आती है, जिसके बाद तो यही लगता है कि ब्लॉक के कुछ अधिकारी शायद विपक्षी पार्टियों से मिलकर वर्तमान की केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार की छवि धूमिल करने पर तुले हैं। सभी पीड़ित पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखना होगा कि अब इन लोगों को कब तक आवास मिलता है।